केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के पूसा स्थित सुब्रमण्यम हॉल में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों और एफपीओ प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और प्रणाली की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। श्री चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह प्रणाली AI तकनीक से लैस है, जो कीटों के प्रबंधन में मदद करेगी और फसलों को नुकसान कम हो इस पर भी फोकस करेगी। इस महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस पर गांव गांव से मेरे किसान भाई और बहन यहां पधारे हुए हैं। एक बार मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सही अर्थों में आप भारत के दिल की धड़कन है, आप जनता की दिल की भी धड़कन है। बाकी किसी को दिल का धड़कन कोई झूठ मूठ कहता होगा, लेकिन आप जो पैदा करते हैं अन्न, आप जो पैदा करते हैं फल, उनसे बना हुआ खून ही तो जनता के शरीर में दौड़ रहा है और वही तो दिल को धड़काता है। आप ना हो तो दिल का धड़कना बंद हो जाए। और इसलिए मेरे मंत्री मित्रों ने सही कहा कि हमारे लिए आप किसान नहीं हैं, हमारे लिए आप भगवान हैं, अन्नदाता। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि इस नई प्रणाली के माध्यम से फसलों के उत्पादन में सुधार होगा और कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा और फसलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।